हे गाइस, यू आर ऑन पीएसएव इंग्लिश और मैं हूं आपके साथ स्वयं आहूजा। आज हम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट मीन्स की बैचलर्स जो लोग कर रहे हैं बीए बीकॉम वगैरह, उनकी इंग्लिश की बुक से आज स्टोरी नंबर 10th लेके आए हैं, तोबा टेक सिंह। ये सेमेस्टर 2 में ये स्टोरी जो उनसी है ये शामिल है, उनके सिलेबस में ये स्टोरी शामिल है और इस स्टोरी को लिखा है सद्दत हसन मंटो ने। ये जो सी स्टोरी है ये 1947 में जो सा हमारा इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था उस पर लिखी गई है। मेरी मानिए, आपने जितनी भी आज तक इंडिया और पाकिस्तान पे लिखी गई कहानियाँ या नॉवेल्स वगैरह पढ़ी होंगी उनमें से ये आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएगी। मैंने भी आज तक बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे नॉवेल्स, बहुत सारी पॉइंट्स इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन पे पढ़ी हुई हैं, बट मेरे को सबसे पसंद ये आई है और आशा करता हूँ आपको भी ये पसंद आएगी। सो स्टार्ट करते हैं स्टोरी के साथ। ये उनसी स्टोरी है, ये बहुत साल पहले जब 1947 में हमारी कंट्री का बंटवारा हुआ था पाकिस्तान के साथ, तब उसकी थोड़ी देर बाद ये लिखी गई। आज़ादी के बाद हमारे दोनों देशों की सरकारों को याद आया कि हमारे देश के पागल नागरिक जो उनसे हैं वो एक दूसरे के पागलखानों में पड़े हुए हैं। जो उनसे इंडिया के पागल लोग थे वो पाकिस्तान के पागलखानों में कई पड़े हुए थे और कई पाकिस्तान के पागल लोग इंडिया के पागलखानों में पड़े हुए थे। और अब दोनों देशों की सरकारों को याद आया कि इनका भी एक्सचेंज होना ज़रूरी है। विचार ये था कि भारत के पागलखानों के मुसलमान लोग पाकिस्तान भेजे जाएं और पाकिस्तान के पागलखानों में पड़े पागल हिंदू और सिख भारत को भेजे जाएं। एक्सचेंज के लिए एक डेट को तय किया गया। इस आदान प्रदान के समाचार ने लाहौर के पागलखाने में एक नई स्थिति को पैदा कर दिया। पागलों को भारत और पाकिस्तान के अर्थ का भी नहीं पता था। एक पागल मुसलमान ने कहा, भारत तो वो जगह है जहाँ पे ब्लेड बनाते हैं। हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है मियां जहाँ उस्तरे बनते हैं। एक पागल सिख ने कहा, वे भारतीय भाषा नहीं बोल सकता तो भारत में जाकर कैसे रहेगा। कुछ पागल वास्तव में पागल नहीं थे, वे हत्यारे थे, क्रिमिनल लोग थे, मर्डरर थे और उनके रिश्तेदारों ने उन्हें पागल घोषित कर दिया था कि इस तरीके से वो फांसी चढ़ाए जाने से बच सकते हैं। इन लोगों के विचार स्पष्ट नहीं थे कि भारत का विभाजन, भारत का बंटवारा हुआ तो हुआ क्यों और पाकिस्तान है क्या। किसी ने कहा, मोहम्मद अली जिन्ना को मुसलमानों के लिए जो अलग देश मिल गया था वो पाकिस्तान है। पागल खानों के लोग जो पूरी तरह पागल नहीं थे अश्मंजस में पड़ गए, दुविधा में पड़ गए। वे नहीं जानते थे कि वे भारत में थे या पाकिस्तान में। यदि वे पाकिस्तान में थे, ये कैसे हो सकता था कि जो स्थान, जो जगह अब तक भारत थी, जो भारत के नाम से जाना जाती थी, उसे अब पाकिस्तान कहने लग पड़े। एक गरीब मुसलमान ने निवासी भारत और पाकिस्तान के बारे में बातें कर रहे थे, उसमें से वो बहुत परेशान हो गया। वह पहले की अपेक्षा ज़्यादा पागल हो गया इन्हीं बातों को सुन सुन के। उसने पेड़ पे चढ़ के भारत पाकिस्तान की समस्याओं पर बोलना शुरू कर दिया और लोगों को सुनाने का यत्न करने लग पड़ा। वो पेड़ के और ऊपर चढ़ गया जब उन लोगों ने उसको नीचे लाने की कोशिश की। वे कुछ समय बाद नीचे आया जब पागलपन का दौरा ख़त्म हो गया। उसने हिंदू सिख अपने दोस्तों को आलिंगन किया और बड़े जोर से रोया। रेडियो इंजीनियरिंग के विषय में साइंस के एक मुसलमान मास्टर ने अपने सारे कपड़े उतार दिए। चिनियॉट से एक और मोटा मुसलमान दिन में 15 बार नहाता था, उसने एकदम नहाना बंद कर दिया। इस मुसलमान का नाम मोहम्मद अली था। उसने अपने आप को मोहम्मद अली जिन्ना कहना शुरू कर दिया। उसके सेल का साथी जो एक सिख था, उसने खुद को मास्टर तारा सिंह कहना शुरू कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को गालियां निकालना शुरू कर दिया। उन्हें अलग पिंजरे में डाल दिया गया। एक हिंदू वकील जो कि
उसकी प्रेमिका ने अमृतसर में छोड़ दिया था उसको, उसने हिंदू और मुसलमान नेताओं को पाकिस्तान बनाने के लिए गालियां निकालनी शुरू कर दी। उसे विश्वास दिलाया गया कि उसका अपनी प्रेमिका से मिलाप करवाया जाएगा, लेकिन वह भारत में अमृतसर नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे वहाँ अपनी लॉ की प्रैक्टिस का विश्वास नहीं था। उसे विश्वास था कि अगर मैं यहाँ पर लाहौर में रहूँगा तो मेरी वकालत चलेगी, वहाँ पर प्रैक्टिस मेरी अमृतसर में नहीं चलेगी। अब इस पागलखाने में कुछ अंग्रेज़ पागल भी थे जिनको यूरोप वार्ड में रखा जाता था। ये एंग्लो इंडियन पागलों को अपने भविष्य की स्थिति की चिंता नहीं थी। अब उन्हें आश्चर्य था यदि पागलखानों में उनका अलग पागलखाना वार्ड होगा, तो उन्होंने ये भी तर्क दिया कि यदि उन्हें पागलखानों में अब नाश्ता मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें टोस्ट की जगह पे जो उनको टोस्ट मिलता था, उनको एक अलग तरीके का नाश्ता मिलता था, उनको एक अलग बिहेवियर मिलता था, उसकी जगह पे अब चपाती खाने को मजबूर किया जाएगा। एक पागल सिख जो 15 सालों से यहाँ पे रह रहा था, कुछ मीनिंगलेस शब्दों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता था। क्या बोलता था? ओ परदी गुड़गुड़ दी, स्नैक्स दी, पेडियां दी, मूंग दी दाल पाकिस्तान सरकार की। बाद में उसने ये मीनिंगलेस जो उनसी पंक्ति थी उसकी, उसके आखिरी शब्द बदल दिए। फिर क्या बोलता है? ओ परदी गुड़गुड़ दी, स्नैक्स दी, बेडियां दी, मूंग दी दाल ऑफ द टोबा टेक सिंह सरकार। पागल सिख ने अपने पागल साथियों से पूछा कि टोबा टेक सिंह गांव भारत में था या पाकिस्तान में। वे 15 सालों से पाकिस्तान में था। एक समय वे एक अमीर किसान था। जब वे पागल हो गया, उसके रिश्तेदारों ने उसे पागलखाने में छोड़ दिया। उसके रिश्तेदार जेल में उसके पास आते थे, पागलखाने में उसके पास आते थे, लेकिन अब जब से देश का बंटवारा हुआ था, उसके पास किसी ने भी आना बंद कर दिया था। उसका नाम बिशन सिंह बताया गया, पर उसके साथ ही उसको टोबा टेक सिंह कहा करते थे। उसकी पुत्री रूप कौर अपने पिता को पागलखाने मिलने आया करती थी। वह उसकी हालत देखकर बहुत रोया करती थी। पागलखाने में एक पागल को विश्वास था कि वह भगवान है। बिशन सिंह ने उससे पूछा कि यदि टोबा टेक सिंह भारत में था या पाकिस्तान में। उस भगवान ने उत्तर दिया कि उसने अभी इस विषय पर आदेश नहीं दिए थे। उसने भगवान को आदेश देने की प्रार्थना की, लेकिन भगवान ने कई आवश्यक चीज़ों का ध्यान करना होता है। उसने कहा कि मेरे को और भी बहुत काम है। कैदियों के आदान प्रदान के कुछ दिन पहले फजलदीन नाम का एक मुसलमान टोबा टेक सिंह के पास से आया। उसने बिशन सिंह को बताया कि उसके परिवार के सब सदस्य भारत चले गए हैं, उसकी बेटी भी चली गई है। वह अपने परिवार के सदस्यों को जो भारत चले गए थे अपना अभिवादन भेजना चाहता था। तब बिशन सिंह ने उससे टोबा टेक सिंह की स्थिति पूछी। फजलदीन ने कहा कि वह पाकिस्तान में था। पागलों के आदान प्रदान के दिन सिखों और हिंदुओं से भरी बस लाहौर के पागलखाने से जानी शुरू हो गई। बहुत से पागलों ने आदान प्रदान का विरोध किया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्यों यहाँ से लेके जाया जा रहा है। बिशन सिंह की बस से नीचे उतरने की बारी आई। बिशन सिंह ने एक भारतीय ऑफिसर से पूछा कि टोबा टेक सिंह भारत में था या पाकिस्तान में। बिशन सिंह पाकिस्तान की तरफ भागा। वे भारत में प्रवेश नहीं करना चाहता था, एंट्री ही नहीं करना चाहता था। सिपाहियों ने उस पर शक्ति का प्रयोग करना चाहा। वे भारत और पाकिस्तान की जो उनसी रेखा थी, जो उनसी बाउंड्री लाइन थी, उस पर डटकर खड़ा हो गया। उन्होंने उसे वहाँ खड़े रहने दिया। उन्होंने सोचा कि उस पर भारत या पाकिस्तान जाने के लिए दबाव डालने का कोई फ़ायदा नहीं। उसने नो मैंस लैंड पर अपना पाँव गाड़ दिया। ये थी टोबा टेक सिंह की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको भी ये कहानी पसंद आई होगी। मेरे को अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाउट अपना लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।